पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ने पेंगोंग झील के पास चौकी बना ली है। इस दावे को पुख्ता करने के लिए कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई, जिनके हवाले से यह दावा किया गया कि चीन वहां लंबे वक्त तक रहकर भारत के साथ टकराव का मन बना चुका है, क्योंकि हाल ही में दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि वो LAC के नजदीक तैनात अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगे। इस वादे पर भारत ने तो पूरी तरह अमल करना शुरू कर दिया, लेकिन चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। खबर है कि उसने पेंगोंग झील के पास चौकी बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, यानी उसकी मंशा यह है कि हथियारों से लैस सैनिकों की एक कंपनी वहां तैनात कर सके, ताकि LAC के पास विवाद खत्म न हो। और चीन शुरू से यही चाहता है, उसने भारत के साथ वादे तो बहुत किए, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आई तो उसने चाल चल दी, जिसका नतीजा 2 साल पहले गलवान की घटना थी। लेकिन इसके बाद भी उसकी तरफ से LAC पर घुसपैठ की कोशिशें बंद नहीं हुई, और अब तो दावा किया जा रहा है कि उसने पेंगोंग झील के पास चौकी भी बना ली है, जो 135 किलोमीटर लंबी एक लैंडलॉक्ड झील है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। इस झील का कुछ हिस्सा लद्दाख में है, जबकि बाकी का हिस्सा तिब्बत में है, जिस पर चीन का कब्जा है। और दावा किया जा रहा है कि चीन इस इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियों को आसान बनाने के लिए जी जान से जुटा है। हालांकि भारत ने भी इसका जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि LAC के पास भारतीय सेना बड़ी संख्या में तोपों और मिसाइलों की तैनाती कर रही है, ताकि अगर चीन ने वहां गलवान जैसी घटना को दोहराने की गलती की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। उधर अमेरिका के हवाई राज्य में फटे दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी का लावा 200 फीट तक आसमान में उछला। 38 साल बाद इतने बड़े ज्वालामुखी के फटने से लोग पहले ही दहशत में थे, लेकिन अब उनका डर और बढ़ गया, क्योंकि ज्वालामुखी का लावा आसमान की तरफ कई मीटर तक उछल रहा है। सामने आए वीडियो में धधकते लावे से शोले निकलते दिखाई दिए। वहां आसपास लावा ऐसे बहता दिखा मानो आग की कोई नदी बह रही हो। ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट के साथ लावा दूर तक फैलता नजर आया, जबकि उससे उठने वाले धुएं का आसमान में कब्जा दिखाई दिया। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा रात में कई किलोमीटर दूर तक दिखा। अमेरिका के हवाई राज्य में फटे माउना लोआ ज्वालामुखी ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि जहरीली गैस और धुएं के कण हवा में घुल रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों को घर खाली करने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी जारी कर दी है। साल 1984 के बाद अमेरिका के हवाई राज्य में इस ज्वालामुखी में इतना तेज विस्फोट हुआ है। हालांकि 1843 के बाद से अब तक ये 33 बार फट चुका है। खबर है कि खेरसोन और खार्किव में यूक्रेन को बढ़त मिलने से बौखलाई पुतिन की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क पर हमले तेज कर दिए। रूस की तरफ से दावा किया गया कि उसने बखमूत के पास कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसके लिए रूस के सैनिकों ने पिछले कुछ दिनों से इन इलाकों की घेरेबंदी कर वहां ड्रोन और मिसाइल की मदद से ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। दावा किया गया कि बखमूत के आसपास के कई इलाके रूसी सेना के जबरदस्त हवाई हमलों से थर्रा उठे, यानी वो आशंका सच साबित हुई कि खेरसोन से अपनी सेना को हटाना पुतिन का बड़ा गेम प्लान था। मतलब ये है कि खेरसोन में हार के बाद पुतिन अब डोनेट्स को किसी भी कीमत में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते, इसीलिए उनकी सेना ने वहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तबाही मचानी शुरू कर दी और बखमूत के पास बसे 2 गांवों से जेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ दिया। रूस के तेवरों से साफ है कि खेरसोन में मिले जख्म पुतिन के लिए इस कदर गहरे हो चुके हैं कि उन्हें भरने के लिए उनकी सेना खून का दरिया बहाने की तैयारी कर चुकी है।